लेट अस बिगिन। सो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल ये बनाने के लिए बोलते हैं, बहुत टाइम पास टॉपिक है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। आपको क्वेश्चन में इन फॉर ट्रायल बैलेंस जैसे देते हैं, ट्रायल बैलेंस पता है सब लोगों को, वेरी गुड। सो ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, या ट्रायल बैलेंस टाइप आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है, इनकम और एक्सपेंसेस, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब उसके बेसिस पे आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाना है। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अपने लाइफ में सब लोगों ने बनाया है, देवी जी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाया है। द ओनली थिंग इज इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मॉल्स में जाते हो आप, मॉल्स में क्या वो सेक्शन अलग होते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े का सेक्शन अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन अलग होगा, देन वो जो ग्रोसरी का सेक्शन है वो अलग रहता है, यूटेंसिल्स का सेक्शन अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, शूज का अलग है, बराबर। तो क्या इन लोग जब हिसाब किताब मेंटेन करते हैं तो पूरे मॉल का एक साथ मेंटेन करते हैं या हर एक सेक्शन वाइज मेंटेन करते हैं? दैट सेक्शन इज नोन एज डिपार्टमेंट, दैट सेक्शन इज नोन एज डिपार्टमेंट। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पूरे मॉल को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें से भी उनको किस सेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, किस सेक्शन में लॉस हो रहा है, वो देखना पड़ता है, क्योंकि जिस सेक्शन में लॉस हो रहा है वो सेक्शन बंद कर देंगे, उसके बदला दूसरे सेक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए उनको सेक्शन वाइज यानी डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस सही होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, इसलिए ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया जाता है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट पी एंड एल का कहीं डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जैसे अपने पी एंड एल बैलेंस शीट शेयरहोल्डर्स के सामने डिस्क्लोज करते हैं अपन। तो डिपार्टमेंटल अपने इंटरनल एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये बनाते कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाओ, बस उसमें कॉलम बनाओ, क्वेश्चन में जितने भी डिपार्टमेंट दिए ना उनके कॉलम बनाओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये एग्जांपल में आपको कितने डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, दो डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनेगा कैसे, ध्यान देके सुनना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं मित्रों सारे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं सारे, एक्सपेंस। क्रेडिट साइड पे इनकम, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ए और बी और टोटल ऐसे दिया है, ठीक है। सो डेबिट साइड पे सारे इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो उसमें से ए का कितना बी का कितना, एक तो स्टॉक का डायरेक्ट अमाउंट दे देंगे, नहीं तो फिर वो रेशियो दे देंगे, ठीक है। स्टॉक के केस में, परचेजेस के केस में आपको अमाउंट दे देंगे, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कितना परचेस है, नहीं दिया है तो फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशो में उन्होंने रेशो दिया तो ठीक, नहीं तो सेल्स के रेशो में, किस रेशो में, सेल्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। याद कैसे रखने का, डायरेक्ट जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, सब लोग ध्यान देकर सुनना, जो भी किस अकाउंट के आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम के बारे में अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया तो सेल का रेशो लो, किसका रेशो लो, सेल्स, यानी एक्स सॉरी ए और बी इस डिपार्टमेंट के आपको सेल्स कितने दिए, सर ए का सेल 10 लाख दिया है, बी का 20 लाख दिया है, तो सेल्स का रेशियो क्या होगा, 1:2, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम के बारे में इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशियो, सिंपल टू रिमेंबर, सेल्स का रेशियो देना ही पड़ेगा ना, सेल्स देंगे ना आपको इंडिविजुअली, दे विल गिव यू सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट भी, तो उन्होंने रेशियो नहीं दिया तो अपन निकाल सकते हैं सेल्स के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब पी एंड एल में, किस में, पी एंड एल में, अब पी एंड एल में कैसे करोगे आप, पी एंड एल में आपको सैलरीज दिया जाएगा, तो सैलरीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयज का रेशियो दिया जाएगा, यानी आपको देंगे कि डिपार्टमेंट डी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, बी में 40 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो सैलरी को किस रेशियो में बांटोगे, एम्प्लॉयज के 10:40, ठीक है, यानी वो एक्सपेंस जिससे रिलेटेड है उसके रेशियो में बांट दो। जैसे रेंट दिया है, रेंट किसके रेशियो में बांटोगे, एरिया दिया होगा, इस डिपार्टमेंट में इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, उस डिपार्टमेंट में उतना एरिया ऑक्यूपाई किया, तो रेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया, तो एरिया के रेशियो में बांट दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस रेशियो में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज्ड इन इस डिपार्टमेंट, ठीक है। सो बस आपको कोई ना कोई हिंट देंगे वो, या डायरेक्टली रेशो दे देंगे, जो भी हिंट दिया या रेशो दिया उसके रेशो में बांटना है, दैट्स इट, यू विल फाइंड आउट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, यू विल गेट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन करना है इस पे या आगे बढ़े, ओके, बहुत इजी है, बहुत
व्हाट टाइप पास है, इसमें कुछ नहीं है, उल्टा सबसे इजीएस्ट है एग्जामिनेशन में। मैं तो कहूंगा ये गो एंड अटेम्प्ट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। हाँ आप, ये कंपलसरी है क्या सर? जाए तो ना, क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनेशन में जो दिखेगा वो सॉल्व करके आओ, क्या है अपने को कहाँ टेंशन लेना है। चलो अयब ये समझा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट।